नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मुख्तार अंसारी से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में आज सजा सुना दी गई है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 16 साल पुराने मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने शनिवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए 10 साल की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़ा हुआ है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये मामला बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या का है। मुख्तार और अफजाल अंसारी के खिलाफ 2007 में मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज मामला किया गया था। इस केस के सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल से जुड़े थे। 2005 में मोहम्मदाबाद स्थित बसनिया चट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। वहीं मुख्तार अंसारी के बाद उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को भी गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी करार दिया गया है। गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अफजाल अंसारी को सजा का ऐलान होते ही कस्टडी में लिया गया। सजा होने के बाद उनकी सांसदी जाना तय माना जा रहा है। बता दें कि इससे पहले मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया था। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी। वहीं पीएम मोदी ने आज कर्नाटक के बीदूर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आपने पूरे देश को संदेश दे रहा हूँ। इस बार भाजपा सरकार, ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानविक की तरह काम करता है, जो उन्हें भ्रष्टाचार को सामने लाता है, जो उनके स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। बड़े से बड़े महापुरुषों को उन्होंने गालियां दी हैं। जब मैं ये देखता हूं तो सोचता हूं, चलो मैं अकेला नहीं हूं गाली खाने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बीदर हुमनाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि इस विधानसभा चुनाव में मेरी शुरुआत बीदर से हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आकर अपने पूरे देश को संदेश दिया है मैंने। इस बार भाजपा सरकार, ये कांग्रेस, ये चुनाव कर्नाटक को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव है। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने मुझे 91 बार गाली दी, लेकिन हर बार जनता ने उन्हें नकार दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हर उस व्यक्ति से नफरत करती है जो सामान्य मानवीय की तरह बात करता है, जो उनके भ्रष्टाचार को सामने लाता है और जो उनके स्वार्थ भरी राजनीति पर प्रहार करता है। बड़े से बड़े महापुरुषों को उन्होंने गालियां दी हैं। जब मैं ये देखता हूं तो सोचता हूं, चलो मैं अकेला नहीं हूं गाली खाने वाला। वहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। WFI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पहलवानों को अपना खुला समर्थन दिया है। उनकी तरफ से जोर देकर कहा गया है कि जिसने भी गलत किया उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के पहलवान इस समय परेशान हैं। जिन पहलवानों ने देश के नाम रोशन किए, जिन पहलवानों ने देश के लिए मेडल जीते, वो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ कि वो छुट्टी ले और जंतर मंतर पहुंचे।
तो दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। WFF प्रमुख ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ एक्शन को लेकर यह विरोध किया जा रहा है। इसी बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौके पर पहुंच गए हैं। उन्होंने पहलवानों को अपना खुला समर्थन दिया है। उनकी तरफ से ये जोर देकर कहा गया है कि जिसने भी गलत किया उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि देश के पहलवान इस समय परेशान हैं। जिन पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया, जिन पहलवानों ने देश के लिए मेडल जीते, वो यहाँ विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। मैं पूरे देश से अपील करता हूँ कि वो छुट्टी लें और जंतर मंतर पहुंचे। वहीं मोदी सर ने मनहानी केस में राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने आज सजा सुनाई है। राहुल गांधी की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस हेमंत प्रत्यक्ष ने कहा कि अब शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने दीजिए, 2 मई को इस मामले का निपटारा कर देंगे। बीते 23 मार्च को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने उन्हें तुरंत जमानत भी दे दिया था। इससे पहले 20 अप्रैल को भी सुनवाई में सूरत की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सेना का एक वाहन गहरी खाई में गिर गया। दर्दनाक हादसे में भारतीय सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कुछ जवान घायल भी हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही सेना, पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अधिकारियों ने समाचार एजेंसी को बताया कि दुर्घटना तब हुई जब बल्क की एक एम्बुलेंस सड़क से फिसल गई और खाई में गिर गई। अधिकारियों ने कहा कि सेना की एम्बुलेंस नियंत्रण रेखा के पास डूंगी गाला के पास उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई जब उसके चालक ने तेज मोड़ पर नियंत्रण खो दिया। वहीं दिल्ली सीएम आवास 6 फ्लैग स्टाफ मोरोड के रिनोवेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दिल्ली के LGV के सक्सेना संज्ञान ने इस मामले में मीडिया रिपोर्ट को संज्ञान में ले लिया। LG ऑफिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखकर सीएम आवास के रिनोवेशन से जुड़े सभी कागजात और फाइलें सुरक्षित करके 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन फाइलों के आधार पर मुख्य सचिव PWD विभाग में अधिकारियों और मंत्रियों की भूमिका की जांच करेंगे। मामले में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या रिनोवेशन की अनुमति देने के लिए कुछ वित्तीय नियमों में बदलाव किया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।